तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं प्लैनेट क्राफ्टर। और भाई लोग, आज मैं आप लोगों को एक लावा केव के अंदर ले जाने वाला हूं, जिसमें हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं, जिसमें हमें इरिडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो गेम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पर नए हों और पहली बार हम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। चलो यहाँ पर से हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को फूड अपना ग्रोवर दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं फूड इकट्ठे करता हूँ। देखो ये जो है ना, यहाँ पर अभी 56% आपको दिख रहा होगा। ये जब 100% हो जाता है तो कुछ इस तरीके से मिलता है। मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर ये है लिखा हुआ, ये बैगन टाइप का कुछ है, इसको एग प्लांट बोल रहे हैं। ये बैगन है, मगर ये इंडिया में बैगन बोलते हैं उसको। तो वो जो है वो निकल के मिल जाता है हमको यहाँ पर। देखो जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारी जमा कर लिया, और ये शायद कद्दू टाइप का लग रहा है, स्क्वैश करके कुछ बोल रहा है इसको, है ना। तो चलो फटाफट से हम उससे पहले क्या करते हैं, लावा केव में ले जाऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ना अपना बेस को अपग्रेड करेंगे। यहाँ पर मैं ना, एक मिनट यार, मेरे को पानी की कमी हो रही है, मैं पानी पी लूँ। पानी कहाँ गया मेरा, ये रहा, पानी पी लिया। अब मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें अनलॉक हुई है। देखो मैं यहाँ पर ना, अब ऑक्सीजन तो था ही, अपने को T3 बैकपैक पिछले एपिसोड में मिल गया था, और T3 ऑक्सीजन टैंक भी मिल गया था। और जो ये अपने को ना T1 एग्ली बूट्स करके है, ये बूट्स हमको T2 तक मिला हुआ है। और इसका फ़ायदा ये है कि हमें थोड़ा सा स्पीड भागने में मदद मिलती है। और मैंने इसको लगा के, मतलब इसको बना के इसको अपने इसमें सिस्टम में फिट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा स्पीड भाग सकते हैं। और इस टाइम में हमारा जो है कन्वर्सेशन हुआ है 70% तक में, इसको भी हम बढ़ाएंगे। ऑक्सीजन सब कुछ सही चल रहा है। तो यहाँ से मैं एक काम करते हैं, हमको यहाँ पर ना पहले ऊपर में वो बनाना है, स्टोरेज रूम बनाना है। तो मैंने बनाने के लिए ना पूरा चीज़ें यहाँ पर ला के रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर आयरन हो गया, ये सब आयरन जुगाड़ कर लिया है। आयरन और सबसे ज़्यादा आयरन और मैग्नीशियम टाइटेनियम लगने वाला है हमको कंपार्टमेंट बनाने के लिए, तो वही सब जुगाड़ करके रखा है मैंने। तो मैं यहाँ से क्या सोच रहा था ना, कि यहाँ पर से यहीं, अच्छा यहीं किनारे से ना एक काम करता हूँ, मैं ये बेड मेरे किसी काम का नहीं आ रहा, मैं इसको डिकंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ से ना बाजू से ही एक लैडर लगाऊंगा, ये वाला जो इंडोर लैडर रहता है। इसके लिए कोबोल्ट चाहिए यार, कोबोल्ट नहीं है मेरे पास। सारा जुगाड़ करो भाई, मगर कुछ ना कुछ छूट ही जाता है इस गेम में भाई, क्या बोलेंगे। चलो मैं बाहर से कोबोल्ट लेके आता हूँ। चलो फटाफट से मैं चलता हूँ, और मेरे को कोबोल्ट मिल चुका है यहाँ पर। कोबोल्ट से हम सीढ़ी बनाएंगे, इंडोर सीढ़ी बनाएंगे ना, ऊपर में फ्लोर्स बैठाएंगे, और वहाँ पर हम अपना जो है अलग अलग फूड ग्रोवर के लिए अलग कैबिनेट बना लेंगे एक, और स्टोरेज रूम अलग से बना लेंगे। ऐसा करके अलग अलग रूम बनाएंगे सब चीज़ का। यहाँ पर एक बना लेता हूँ मैं, और यहाँ पर ये अट जाएगा क्या, बीचों बीच आ रहा है, पीछे नहीं आ रहा ना। चलो यहाँ पर लगा लेता हूँ। चलो ये लग गया, अब इससे क्लाइम कर सकते हैं हम। क्लाइम करने के लिए क्या करना होगा हमको, अच्छा ये डायरेक्ट क्लिक करो और ऊपर आ गए हम। वाह वाह वाह, ये सही है ब्रो। फिर मैं क्लिक करूँगा तो नीचे पहुँच जाऊँगा ना। सही है भाई, अच्छा है ये। मेरे को लगा कि एक सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी कैबिनेट बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमको चाहिए अपना आयरन बहुत सारा, और आयरन के साथ में टाइटेनियम चाहिए। टाइटेनियम वैसे कम लगेगा, आयरन बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इतना हो गया, और ये लेके हम चलते हैं ऊपर में, ठीक है। यहाँ आ गए, और यहाँ से हम अपना कैबिनेट जो है वो बिठाना स्टार्ट करते हैं। ये वाला लगा देंगे यहाँ से लिंक करके, फिर एक और लिंक कर लेंगे यहाँ पर, एक और लिंक हो गया, और एक और लिंक करूँगा तो मैं बाहर हो जाऊँगा, फिर मेरे को नीचे से वहाँ से आना पड़ेगा, ठीक है। ये भी लिंक हो गया, और एक बना लेते हैं, और उसको इधर लिंक कर लेता हूँ मैं, और एक लिंक हो जाएगा, परफेक्ट। और एक बन जाएगा क्या, एक और बन गया, ठीक है। अरे ख़त्म हो गया यार, आयरन टाइटेनियम सब खत्म हो गया। चलो ये आ गया अंदर। अबे यार अंदर से लेकिन बनेगा कैसे, फिर अंदर से बन जाएगा क्या, करूँ क्या, बाहर लगेगा। सही, लिंक डायरेक्ट, ओ हो ऐसे भी बन सकता है ना, सही है भाई, ऐसा तो देखा ही नहीं था मैंने। चलो ये हो गया, और एक ये भी, चलो ये हो गया। और हम एक कॉर्नर वाला भी बना सकते हैं ना, कॉर्नर के लिए कोबोल्ट चाहिए। कॉर्नर बना के देखूं कि कैसा बनता है। यहाँ से लिंक होगा ना, ओह इस तरफ लिंक हुआ। अरे यार लेकिन ये उल्टा लग गया ना, ऐसा नहीं बनाना था यार मेरे को। एक मिनट डिकन्स्ट्रक्ट कर लूँ उसको। चलो ये वापस हो गया, इस तरफ से लिंक करना है, इस तरफ से शायद हो जाएगा ना ये, यहाँ पर, हाँ ये ठीक है, ये कोना आ गया ना।
एक कोना इस तरफ बना लेंगे, कोबाल्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोबाल्ट तो है नहीं। हाँ मालूम था कोबाल्ट खत्म हो जाएगा, कोबाल्ट मैं पूरा लेके आता हूँ भाई, एक मिनट रुक जाओ। मैं दूसरा वाला जो अपना पुराना बेस था ना, वहाँ पर बहुत सारे कोबाल्ट पड़े हुए हैं, वहाँ से उठा के लाता हूँ मैं पूरे कोबाल्ट को। चलो यहाँ आ गया मैं, कोबाल्ट कोबाल्ट देखो यहाँ पर भरा हुआ है भाई पूरा कोबाल्ट एकदम। चलो पूरे कोबाल्ट को उठा लेता हूँ मैं और यहाँ से चलते हैं फिर। चलो तो मैं कोबाल्ट यहाँ पर उठा के ला चुका हूँ और हम अंदर चलते हैं फटाफट। पानी की कमी हो रही है, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। पानी ये रहा, पानी पी लो। खाना भी खा लेते हैं, हमारे पास खाने की भी कमी नहीं होगी। अब हमारे पास फूड ग्रोवर है जिसमें सब फूड निकलता रहता है अपने लिए। ये रहा एक फूड, इसको भी खा लेते हैं और बस इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर क्या लगेगा अपने को, आयरन लगेगा ना बनाने के लिए। ये बनाने के लिए क्या लगेगा, टाइटेनियम भी लगेगा। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा कोबाल्ट रख लेते हैं, इसमें हम टाइटेनियम उठा लेंगे यहाँ से और आयरन भी उठा लेते हैं। चलो ये इतना उठा लिया मैंने और इसको चलते हैं ऊपर लेके। और ऊपर ले जाने के बाद में यहाँ पर भी एक लग जाएगा शायद कॉर्नर वाला, वो तो मज़ा आ जाए। यहाँ लिंक हो रहा है ना, अरे ये ऐसे ही लिंक क्यों हो रहा है भाई, इस तरफ घूम के क्यों नहीं लिंक हो रहा है, इसको उल्टा नहीं कर सकते क्या। बाहर से लगा के देखूँ क्या, बाहर से लगा के देखता हूँ। ठीक है यहाँ से लगा के देखते हैं अपन, है ना, यहाँ से कैसा लिंक हो रहा है। ओके हाँ यहाँ से हुआ ना लिंक, और इसको ऐसे घुमा सकते हैं ना। एक मिनट पीछे आ जाओ, यहाँ पर कुछ डब्बा देना होगा तब होगा वो लिंक। चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको डब्बा दे देते हैं, यहाँ पर एक डब्बा लगा देंगे ऐसे। अब यहाँ पर लिंक हो जाएगा मेरे ख्याल से ये, है ना, कंट्रोल करके। हाँ ठीक है परफेक्ट। चलो ये लग गया मस्त से अपना, ये राउंड राउंड शेप का दिख रहा है, ये बीच का एरिया ना, यहाँ पर भी आईना लगा लेते, बस परफेक्ट लग रहा है, एक नंबर हो गया। और ऊपर का और राउंड करेंगे क्या, राउंड राउंड तो हो जाएगा भाई, मस्त दिखेगा। मगर ऊपर का करें या किनारे का कर लेते हैं, यहाँ से किनारे का कर लेते हैं ना राउंड, दोनों साइड से राउंड राउंड हो जाएंगे मस्त से। तो ठीक है भाई लोग, हम लोग आयरन जुगाड़ करके आ चुके हैं, और यहाँ पर आयरन जुगाड़ करने के बाद ये इस तरीके से लिंक हो जाएगा। अबे उल्टा लिंक हो गया यार, ये कैसा लिंक हो गया। और शिट एक मिनट एक मिनट, ये गलत हो गया भाई, इसको डिसकंस्ट्रक्ट करो। ठीक है इसको ना अपना लिविंग कंपार्टमेंट जो है ऐसे नहीं, हाँ बस परफेक्ट इस तरीके से आएगा। ठीक है और एक कॉर्नर वाला यहाँ पर आएगा, एक और बन सकता है ना, हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। एक मिनट भाई तू किधर निकल रहा है, हाँ आ रहा नहीं, लिंक नहीं हो रहा, वाई 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 क्यों नहीं लिंक हो रहा भाई, इस तरीके से परफेक्ट। चलो ये भी लिंक हो गया। अब यहाँ पर एक आईना लगा लेते हैं, इस तरफ में आ जाएगा आईना, बस परफेक्ट हो गया। अब चलो मैंने ऊपर से आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है हमारा कंपार्टमेंट जो है, वो किस तरीके से दिख रहा है ऊपर का। ऊपर का फ्लोर मस्त वाला बन गया भाई अपना, देखो यहाँ पर हो गया ये ऊपर का फ्लोर, मस्त राउंड राउंड सा अच्छा सा दिख रहा है ना, ये एक नंबर लग रहा है भाई। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये राउंड राउंड सा दिख रहा है मस्त। चलो अब यहाँ पर हमने को स्टोरेज रूम जो है वो बनाना है। स्टोरेज रूम मैं कहाँ पर बनाऊँ, स्टोरेज रूम बाद में देखेंगे, छोड़ो अभी आप लोगों को चल के वहाँ का एरिया दिखाता हूँ मैं, जहाँ पर अपने को बहुत सारा वो मिला था आयरन वायरन लावा केव के अंदर लेके जाएंगे ना। कोबाल्ट रखा हुआ है, मैं ऑक्सीजन बना लेता हूँ फटाफट से, 5 बस इतना काफ़ी है। आइस चाहिए, आइस आइस चाहिए अपने को, आइस नहीं है क्या, ठीक है पानी दो ठोक बना लेते हैं यहाँ पर। चलो एक काम करते हैं ना, उससे वहाँ जाने से पहले ना आप लोगों को 5 ठोक मेरे को ब्लू चिप मिला हुआ था। अब जब मैं ऑफलाइन खेल रहा था तो यहाँ पर मेरे को ब्लूप्रिंट मिली हुई है माइक्रोचिप 5 ठोक, उसको खोल के अनलॉक करके देखते हैं अपने को क्या क्या चीज़ें फंस रही है ना, मतलब क्या क्या आइटम मिल रहा है। ठीक है तो यहाँ पर हम आ जाएंगे इस तरह, इस जगह पर ब्लूप्रिंट वाला लॉक लगा हुआ है यहाँ पर, और 5 अपने पास ब्लूप्रिंट है, इसको हमको एक एक करके खोलना है। तो चलो पहला ब्लूप्रिंट क्या मिला है, ये एरिया लैम्प, अच्छा ये एरिया लैम्प खुला है कुछ। और दूसरा ब्लूप्रिंट क्या खुला है, न्यू ब्लूप्रिंट शेडर मशीन, अच्छा शेडर मशीन करके कुछ खुली है पता नहीं। फिर उसके बाद में ये तीसरा वाला क्या है, न्यू ब्लूप्रिंट रिसीव बिग लिविंग कंपार्टमेंट, अच्छा ये 4 ठोक का एक सेट बन के आएगा पूरा एक साथ। ठीक है उसके बाद यहाँ पर क्या खुला, ये कौन सा न्यू स्क्रीन है भाई, मैपिंग स्क्रीन, अच्छा ये भी अच्छी बात है भाई, मैपिंग स्क्रीन मिल गई एक। और ये क्या न्यू ब्लूप्रिंट है, रिसीव्ड माइक्रोचिप T2 टॉर्च, ओके टॉर्च का जो है वो सेकंड वाला मिल गया। टॉर्च कैसे खोल सकते हैं हम लोग,
इसके लिए क्या है भाई, सल्फ़र कहाँ से मिलेगा अपने को? सल्फ़र तो नहीं मालूम कहाँ से मिलेगा। अच्छा चलो अब मैं ना वहाँ चलते हैं, हमको एक कंपार्टमेंट छोटा सा बनाने के लिए ना जुगाड़ चाहिए, बस वहाँ पर जाके हमको एक कंपार्टमेंट बनाना पड़ेगा बस, और गेट भी बनानी पड़ेंगे। और दो आयरन एक टाइटेनियम है, आयरन टाइटेनियम यहाँ पर भी, एक टाइटेनियम एक आयरन एक सिलिकॉन लगेगा, सिलिकॉन तो रखा हुआ है यहाँ पर कहीं पर। चलो अब मैं आप लोगों को चल के ले कर चलता हूँ अपने लावा केव के अंदर में, जो कि है इस तरफ में। चलो फटाफट से चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर लावा केव हमारा कैसा दिख रहा है। चल भाई स्पीड चल ले, थोड़ा सा स्लो ही है यार, ये स्पीड वाला लगाया जूता पहना है स्पीड वाला, फिर भी स्पीड नहीं दे रहा, बहुत थका हुआ चल रहा है ये। देखो ये जो गिर रहा है ना, इसकी वजह से मैं इसको लावा केव बोल रहा हूँ, बस लावा जैसे फीलिंग आ रही है ना, पूरी लावा लावा गिर रही है। अगर ब्लू कलर की होती तो पानी पानी लगती, मगर रेड कलर की है तो लावा लावा लग रही है। सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर मैंने एक बीकन लगा के रखा हुआ है जो हमको लोकेशन दिखाएगा कि ये लावा केव है हमारा, है ना। अब मैं ये लावा केव में सारी चीज़ें जुगाड़ करने के लिए ना यहाँ पर एक कंपार्टमेंट बना लेता हूँ, ताकि हमें ऑक्सीजन की कमी बार बार ना हो, है ना, ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसके लिए मैं यहाँ पर कंपार्टमेंट एक बना लेता हूँ ऊपर में, परफेक्ट। और एक गेट इसका लगा लेते हैं यहाँ पर, बस इसके अंदर आ जाके हम अपना ऑक्सीजन फुल करते रहेंगे। और पानी वानी की कमी है तो उसके लिए हमें ये बनाना पड़ेगा, इसके लिए आयरन और सिलिकॉन चाहिए। चलो सिलिकॉन मिल जाएगा तो मैं लेता आऊँगा, पहले दिखा लेता हूँ आप लोगों को ऊपर ऊपर चढ़ के सब यहाँ पर अपने को मिलता क्या। वैसे देखो ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पर मिलती है हमें, इसको बोलते हैं इरिडियम, लेकिन बहुत ऊपर है यार ये। अभी इसके अंदर जा सकता हूँ, ग्लिच हो रहा है क्या? ओके ये देखो यहाँ पर इरिडियम मिल गया अपने को, एक इरिडियम उठा लिए, और यहाँ पर भी देखो एक इरिडियम लगा हुआ है, इसको भी उठा लेता हूँ। ऊपर चढ़ जा यार, नहीं चढ़ रहा ना, नहीं चढ़ेगा भाई, पत्थर लगा हुआ है, यहाँ से चढ़ जाएगा ना, यहाँ से चढ़ जा, बस परफेक्ट। एक और इरिडियम उठा लिया मैंने, और पानी की कमी हो रही है, सिलिकॉन चाहिए पानी बनाने के लिए अपने को, सिलिकॉन मतलब क्राफ्टिंग स्टेशन बनाने के लिए। देखो यहाँ पर भी इरिडियम पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़े रहते हैं भाई यहाँ पर, ये लावा केव अच्छा है अपना। ये रहा, यहाँ पर लगा लेता हूँ मैं इस तरीके से, परफेक्ट। अब यहाँ पर क्या है, मैं ऑक्सीजन और ये सब बना सकता हूँ। वाटर की कमी हो रही है, एक वाटर पी लेते हैं, और आइस जुगाड़ करके वाटर बना लेता हूँ मैं। आइस 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 भाई, लावा केव है, आइस नहीं मिल रही इसके अंदर। अपने पास आयरन पड़ा है क्या? आयरन पड़ा रहेगा तो हम एक आयरन उठाना पड़ेगा भाई, एक स्टोरेज बॉक्स बना के इसमें सारा कुछ जुगाड़ कर लेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे, है ना। चलो यहाँ पर मैं इसको भी लगा लेता हूँ, कहाँ गया ये रहा, यहाँ पर इस तरीके से, परफेक्ट। अब इसके अंदर में हम इरिडियम वगैरह जो भी है वो सब कुछ ला ला के इकट्ठा करते रहेंगे। चलो अब यहाँ से ना ऊपर चलता हूँ मैं, और अपना थोड़ा सा लावा केव को एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिल रही है। तो ये क्या चीज़ है भाई, बड़ा सा क्या है, पहाड़। स्टार्टिंग मेल्टिंग एट 100 NK, ये 100 NK क्या है पता नहीं। ये देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम भी भाई ऐसे मिल जाता है इस केव के अंदर में। सबसे ज़्यादा यहाँ पर इरिडियम मिलता है भाई, जितना भी अपना वो है ना हीटर बनाने के काम आ जाएगा सब इरिडियम, मस्त मज़ा ही आ जाएगा भाई। यहाँ पर बॉक्स पड़ा है भाई एक ठोक आके, वो इसमें एक ब्लूप्रिंट मिल गया, फूड मिल गया, एल्युमिनियम है, बहुत कुछ चीज़ें मिल गई भाई। चलो इसको भी डिकन्स्ट्रक्ट करके रख लेता हूँ, काम आएगा, आगे बना लेंगे इसका वो। चलो यहाँ से इरिडियम मिल गया अपने को, यहाँ पर भी एक इरिडियम है, सारा इरिडियम जुगाड़ कर लेता हूँ, फटाफट से जमा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर भी एक इरिडियम है, ठीक है थोड़ा सा ना इसको रख के फिर चलता हूँ आगे यहाँ से। यहाँ पर भी इरिडियम पड़ा है, यहाँ से इरिडियम रख लेते हैं पूरा, एक अपने पास में और है, ये बना लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर लगा लेते हैं। और यहाँ पर रख लूँगा मैं एल्यूमिनियम, डाल लेते हैं एल्यूमिनियम, फूड एक ठोक रख लेते हैं, ये पैकेट रख लेते हैं, सारा कुछ रख लिया मैंने। कोबोल्ट, कोबोल्ट की भी ज़रूरत नहीं है अभी, पानी वगैरह तो है अपने पास में, ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इरिडियम का एक सेट है यहाँ पर। चलो चलो इतना कुछ हो गया, अब यहाँ से और चलते हैं आगे, लेके आगे का एक्सप्लोर करते हैं इस तरफ में। पीछे साइड में तो आ गया मैं जाके, अब इस तरफ जाते हैं, इधर और ऊपर जाने का। अच्छा हाँ वो तो ऊपर गया था ना अभी, यहाँ पर भी रेडियम पड़ा हुआ है, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं और इधर इस तरफ जाके देख के आते हैं। देखो एल्यूमिनियम पड़े हैं भाई, एल्यूमिनियम उठा लो, एल्यूमिनियम ये सबको सारी चीज़ें ना हमें एडवांस चीज़ें जो अभी अनलॉक हो रही है ना वो सब बनाने के काम आएंगे, इसलिए हम इकट्ठा कर रहे हैं पूरा। यहाँ से इकट्ठे तो हो जाएंगे ये पूरे भाई, आइस वाइस भी है, ऑक्सीजन वो बनाने के काम आएंगे। देखो यहाँ पर एक और कंटेनर रखा हुआ है, उससे पहले एल्यूमिनियम उठा लो, ठीक है एल्यूमिनियम उठा लिए कंटेनर के अंदर में। और दो ठोक बीन सीड मिला है एक, और एक मशरूम सीड है, और एक पानी मिल गया अपने को, सही है, यूरेनियम, फूड मिल गई, एल्यूमिनियम, आयरन तो है, एल्यूमिनियम
चलो ठीक है, इसको भी भर लेता हूँ मैं पूरा, इसको भी डिकन्स्ट्रक्ट करके ना इसको भी रख के आता हूँ, और फिर रखने के बाद में आगे चलते हैं, क्योंकि इरिडियम ही इरिडियम भरा हुआ है भाई, यहाँ पर अच्छा खासा इरिडियम की खुदाई हो जाएगी भाई। वो बोल्ट भी रख दो, ब्लू चिप भी रख दो, ये भी रख दो, ये भी रख दो, सारा कुछ रखा गया। ठीक है चलो और आगे चलते हैं, आगे घूम के आते हैं, इस तरफ में जाएंगे अब नीचे नीचे से देख के आते हैं कुछ मिलता है क्या। यहाँ तो पत्थर है, ख़त्म हो गया, ये जगह ख़त्म हो गई क्या भाई, बहुत छोटी सी जगह थी यार। ठीक है तो अपना केव जो है वो फुद्दू निकल गया भाई, ज़्यादा सामान नहीं मिला है अपने को। चलो जितना सामान मिला वो सबको लेके चलते हैं, अपने बेस में चलते हैं, और वहाँ पर नई नई जो चीज़ें आई हैं ना वो सबको अनलॉक करता हूँ, वो सब चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ आ चुके हैं अपने मेन बेस में, और यहाँ पर मैं पहले जो जो सामान लाया हूँ वो सब रख देता हूँ। ये सारी चीज़ें रख लेते हैं यहाँ से, ये भी रख दो। इरिडियम को हम अलग पाउच में रखेंगे, इधर है इरिडियम का जगह। ठीक है, ये भी भर गया, और यहाँ पर फूड वूड रखा है ना, इधर नहीं रखता हूँ, इसके अंदर रख लेते हैं बाकी। और यहाँ पर चलते हैं, देखो यहाँ पर अपना फूड जो है वो इकट्ठा हो चुका है, यहाँ पे हम सबको कलेक्ट कर सकते हैं। एक कलेक्ट हो गया, दो तीन चार, चारों खाना कलेक्ट हो गया अपना। चलो खाने कलेक्ट हो गए हैं अपने पास में, एक ब्लू चिप मिला है ना, उसको ब्लू चिप को देखता हूँ मैं क्या कर सकते हैं, क्या मिलता है यहाँ पर। ब्लू प्रिंट वाला चिप एक ठुक मिला है, इसको भी खोल लेते हैं। यहाँ पर क्या मिला है, न्यू ब्लू प्रिंट A1 गैस सेटेलाइट GPS सेटेलाइट, ओके GPS सेटेलाइट मिला है हमको। ठीक है, और हमारे पास में क्या क्या यहाँ पर अनलॉक हो चुका है, देखो यहाँ पर बीकन का यूज़ किया है मैंने, लेकिन घर पे यूज़ नहीं किया है। और ये T3 वेजिट्यूब है, ओके ये T2 वेजिट्यूब था, ये T3 वेजिट्यूब है। और T2 ड्रिल है, T3 ड्रिल खुला है, इसको नहीं बनाया हमने, और ये सारी चीज़ें नहीं बनाया अभी। रिसाइकलिंग मशीन नहीं बनाई है, ये बना लिया है, फूड ग्रोवर बना लिया है मैंने, कम्युनिकेशन एंटीना नहीं बनाया है, और बीकन लगाना है यहाँ घर पे के पास में, एक बीकन लगाना है अपने को। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ मैं, बीकन के लिए जुगाड़ देखते हैं क्या क्या लगेगा। एक टाइटेनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ठीक है भाई लोग, अपन ने बीकन बनाने के लिए सामान जो है वो जुगाड़ कर लिया है, यहाँ पर एक बीकन बना लेता हूँ मैं, ये रहा। इसके लिए एल्यूमिनियम चाहिए यार, एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम तो घर के अंदर पड़ा हुआ है, एक मिनट में उठा लेता हूँ, यहीं पर था इसमें, ये रहा एक एल्यूमिनियम, इसको उठा लिए। चलो बीकन बना लेते हैं यहाँ से, इधर जाके बीकन बनाएंगे हम, यहाँ पर लगा लेते हैं बीकन, है ना, यहाँ जस्ट अपने गेट के सामने लगा लेता हूँ। और ये मुड़ा नहीं है भाई, एक मिनट इसको मोड़ लेता हूँ यार, ऐसे सामने, हाँ बस परफेक्ट। चलो ये लग गया, इसका रेड कलर रख लेंगे हम यहाँ पर। कलर चेंज नहीं करेगा क्या यार, कलर चेंज तो होता था, चेंज कलर अच्छा यहाँ से होगा ना। इसको मैं काम करता हूँ, रेड रख लेता हूँ पूरा, एकदम रेड जलेगा। ठीक है, अपना रेड हाउस यहाँ पर लिख लेते हैं, हाउस। ठीक है, अब यहाँ से दूर से हाउस दिखेगा अपने को। ठीक है चलो, एक बीकन बना लिया हमने, अब इसके बाद यहाँ पर एक एंटीना बनाना है, एंटीना के लिए एक और एल्यूमिनियम चाहिए। चलो यहाँ से एल्यूमिनियम उठा लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर हो जाए भाई, बस परफेक्ट। यहाँ पर कम्युनिकेशन एंटीना, यहाँ पर परफेक्ट लग गया ये। अभी कम्युनिकेशन वाले मैसेज वाले में जाके देखते हैं भाई क्या कुछ दिखा रहा है, कुछ शो कर रहा है क्या। ये रहा ना, इसमें मैसेज आया हुआ है कुछ इन्फॉर्मेशन टू कन्वे, पता नहीं कुछ भी लिखा हुआ है, छोड़ो इसको भगाओ, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बस दो चीज़ें और बना लिया मैंने, ये और ये। अब और क्या बनाना रह गया, ये T3 ड्रिल बनाना है भाई, इसके लिए आयरन, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम चाहिए। देखो एल्यूमिनियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। परफेक्ट करेंगे हम T3 वाला ड्रिल मशीन। ये भाई कुछ अजीब सा है ये, इस तरीके से लगा लूँगा इसको, इस तरफ करता रहेगा। ठीक है, ये T3 ड्रिल मशीन लग गई है। अब इसको पावर देने के लिए भी ना कुछ लगाना पड़ेगा, नहीं तो पावर बहुत जल्दी अपना ख़त्म हो जाएगा। तो ये अपना अनलॉक हुआ है, इसके लिए दो कोबाल्ट चाहिए, एक आयरन है, टाइटेनियम है, आयरन चाहिए और कोबाल्ट चाहिए, बस आयरन एक चाहिए और कोबाल्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक और सोलर पैनल हम लगा लेते हैं, ताकि अपना जो भी है पावर की कटौती ना हो। ठीक है, इसको ऐसे घुमा लेता हूँ इस तरफ, परफेक्ट लग गया ये। अब चलो देख के आते हैं अपना कितना ड्रिलिंग का काम प्रोसेस कितना हो रहा है, और पावर एनर्जी कितनी मिल रही है, सब कुछ देख के आते हैं यहाँ अंदर में। चलो न्यू ब्लूप्रिंट खुला है, T1 न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके न्यूक्लियर रिएक्टर खुल गया। एक अपने पास 142 किलोवाट का पावर जनरेट हो रहा है, 115 किलोवाट अभी कंजप्शन हो रहा है, और यहाँ पर जो स्पीड है वो है 85% हो गया, और स्पीड अच्छी खासी हो रही है भाई। जितना ड्रिल मशीन अपन ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा जल्दी जल्दी ये कन्वर्ट होगा ना। करंट स्टेज ये है,
और नेक्स्ट स्टेज ये है ब्लू स्काई जो जल्दी होने वाला है यहाँ पर। तो फिलहाल एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा और राउंड मार के आते हैं, घूम घाम के आते हैं, फिर और कुछ देखेंगे अपने पास में। और खाना वाना कितना है कुछ पहले जुगाड़ कर लूँ। खाने तो रखे हुए हैं, पानी ऑक्सीजन सब रखा हुआ है। पानी की ज़रूरत हो सकती है, पानी के लिए आइस है क्या इसमें? नहीं आइस नहीं है। पहले ही एक बॉक्स मिल गया अपने को, कंटेनर बॉक्स। इसमें क्या रखा है? फूड रखा है, एल्यूमिनियम रखा है, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल ही है, छोड़ो इसको, इम्पोर्टेंट वही दो था बस। और यहाँ पर अपना जो है लाल से यहाँ पर काली मिट्टी टाइप का आ रहा है भाई। तो ये चीज़ मिल गई भाई, ये क्या चीज़ है पता नहीं, किसी का स्पेसशिप टाइप का छूटा हुआ है पड़ा हुआ है यहाँ पर। अंदर अंदर चढ़ने की जगह मिलेगी क्या भाई? यहाँ पे अंदर जा सकता हूँ क्या मैं यहाँ से? ओके ओके ओके, अंदर आ गए हैं हम, ठीक है, अंदर घुस चुका। न्यू मैसेज रिसीव्ड, ओके, नया मैसेज आया है। पहले यहाँ पर चार कंटेनर रखें, चारों खोल लेता हूँ। सुपर अलव मिल गया यहाँ पर, फूड मिल गया है, एल्यूमिनियम मिल गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी एल्यूमिनियम है, ये सब रखा हुआ है। और यहाँ पर फूड है, फूड है, जितना फूड है दबा लेता हूँ मैं। चलो फूड फुल हो गया। पानी 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 भाई, पानी की कमी हो गई, ठीक है। इसमें इसमें भाई फैब्रिक मिल गया दो ठोक। और ये क्या है? यूरेनियम है ना, यूरेनियम भी काम का है भाई, यूरेनियम लेना पड़ेगा। फूड तो फुल हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो जाते टाइम यूज़ करेंगे भाई। चलो यहाँ पर बस यही है, चार कंटेनर रखे हैं बस, और कुछ नहीं है क्या? तो ठीक है भाई लोग, हम आ चुके हैं अपने वापस घर के तरफ में। और यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं है भाई उस तरफ जाने के बाद में। यहाँ पर हमको क्या मिला है बस, कहाँ गया यार, मिला वाले में जाना, बस ये सारी चीज़ें मिली हैं। सुपर अलॉय मिला है, दो ठो फैब्रिक मिला है, एल्यूमिनियम वगैरह मिले, फूड वूड मिले हैं, ये सब मिला बस, और कुछ खास तो मिला नहीं उधर जाने से। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर T3 वेजिटिव एक अनलॉक हुआ है ना, उसको T3 वेजिटिव को लगा के देखता हूँ। ये रहा ना, ये रहा T3 वेजिटिव। इसके लिए चाहिए दो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम तो है, सिलिकॉन चाहिए दो ठोक। ठीक है, हम आ चुके हैं सिलिकॉन लेके। T3 वेजिटिव हम यहाँ कहीं लगाएंगे, यहाँ पर बाहर लगेगा क्या ये? अंदर नहीं लगेगा? अरे यार ये अंदर नहीं लग रहा, अच्छा इसको बाहर लगाना पड़ेगा। T3 वेजिटिव अपना बाहर साइड लगेगा, अंदर में नहीं लग पाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके घर के सामने में लगा लेते हैं, यहाँ पर फूल फूल सा अच्छा सा दिखेगा, है ना भाई? बहुत छोटा सा है यार ये, लेकिन बाहर लगा सकते हैं। इसमें ला के ना वो लगा देता हूँ, एक मिनट और बना सकता हूँ क्या? T3 वेजिटिव के लिए वाटर की कमी हो रही है, वाटर भी चाहिए इसके लिए। पानी पानी तो मिल जाएगा, पानी के लिए भाई वो नहीं जमा किया मैं, बर्फ़ आइस जमा किया ही नहीं, आइस जमा करूँगा तब तो आएगा। चलो कोई बात नहीं, इसमें वो लगा लेता हूँ जब तक, फूल लगा लेते हैं इसमें जो भी था अपने पास में, ये वाला। चलो इसको लगाता हूँ बाहर में फूल, ठीक है। तो ये भी उगता रहेगा, अभी बनता रहेगा, गायब हो गया यार, नहीं बन रहा बन रहा बन रहा, ऑक्सीजन दे गई, बड़ा हो गया भाई, बहुत जल्दी बड़ा हो गया भाई ये तो। तो ठीक है भाई लोग, आज का काम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या किए हैं हमने। यहाँ पर देखो, ये एक फूल का बगान लगा दिया है हमने बाहर में, बाहर का लगा सकते हैं। एक अपने हाउस का इंडिकेटर लगा लिया है यहाँ पर, बीकन बोलते हैं इसको, और एक ये मैसेज के लिए लगाया हुआ है। और यहाँ पर अपने T3 ड्रिल मशीन जो है वो लगा लिया है, T2 वाले तो बाकी सब लगे हुए थे। और ये अपना जो घर है वो थोड़ा सा ऐसे गोल गोल बना लिया है। इसके अंदर ऊपर में पूरा सामान में इकट्ठा करूँगा, देखो यहाँ पर ऊपर में जाके दिखाता हूँ आप लोगों को, इस तरीके से बना लिया है भाई, पूरा गोल गोल सा मस्त सा दिख रहा है ये एकदम। इसको भी अच्छे से क्लियर करेंगे हम, अच्छा खासा बनाएंगे। और अभी का पोजीशन दिखा देता हूँ आप लोगों को, 95 हम लोग का यहाँ कन्वर्शन रेट जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या काम करने वाले हैं, जो भी स्टोरेज रूम थे वो अलग एक तरफ ऊपर में एक स्टोरेज रूम बना लूँगा, एक तरफ में अपना खाने पीने का जुगाड़। देखो जैसे ये कंप्लीट हो चुका है, फिर से फूड ग्रोवर से फूड बन चुका है, तो ये फूड वाला जो सेक्शन है वो एक तरफ अलग कर लेंगे हम लोग पूरी तरीके से। और नीचे साइड में पूरे फूल फूल लगा लूँगा भाई, अच्छे से दिखेंगे, है ना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आया है, यहाँ तक बने हुए हो, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पे मेरे नए हो, मुझे पहली बार सुन रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।